गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस एन द स्कूल। टुडे वी विल रीड ग्रामर चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको किस तरीके से, किस ऑर्डर में लिखा जाता है, कितने लेटर्स होते हैं और कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज लिखा जा सकता है अल्फ़ाबेट को, वो सब रीड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स दैट आर फिक्स इन ऑर्डर। अल्फ़ाबेट एक सेट है लेटर्स का जिनको कि हम फिक्स ऑर्डर में लिखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हम ए फॉर एप्पल, एप्पल का फिक्स ऑर्डर है, फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके जस्ट बाद में हम बी फॉर बॉल, देन सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, G for girl, इस तरीके से लिखते हैं ना Z तक। तो ऐसा तो नहीं लिख देते हम कि पहले K for kite लिख रहे हैं, then A for apple लिख रहे हैं। लेटर्स ऐसे नहीं लिखे जाते ना। आप लोग भी A B C D लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, A, फिर B, then उसके बाद में C, D, इसी तरीके से लेटर्स को लिखते हैं। तो ये लेटर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट हैं, जो सेट हैं, इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर रहता है। देखिए, जैसे कि आप मैथ्स में भी टू, आफ्टर देन टू क्या आता है हमारे, थ्री आता है ना। इसी तरीके से हिंदी में भी अ के बाद आ, आ के बाद में ई, तो इन सब का फिक्स्ड ऑर्डर है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी लेटर्स का फिक्स्ड ऑर्डर होता है। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 इन लेटर्स। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने हैं, 26 हैं। ए से लेकर जेड तक जब हम काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 26 हैं। द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन टू वेज। जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, ये अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, इनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और सिंगल सिंगल जब हमें इंडिविजुअली इन्हें लिखते हैं तो ये लेटर्स कहलाते हैं। तो इनको लिखने के टू वेज हैं, मतलब दो तरीके हैं। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स एंड सेकंड इज स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स यानी कि जिसको आप बड़ी ए बी सी भी बोल सकते हैं, इसे भी समझते हैं बहुत से बच्चे, तो इसमें हम ए बी इस तरीके से लिखते हैं, जैसे रेड वाले दिखाए हुए हैं, रेड पेन से मार्क करके लिखे हुए हैं ना, वो कैपिटल लेटर्स हैं। एंड स्मॉल लेटर्स जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो हैं आपके, ये हमेशा इनका फिक्स ऑर्डर होता है, चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखें चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें हम। ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड लास्ट इज जेड। तो ये टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 26। इनमें एक चीज़ आपको याद रखने के लिए है, रिमेंबर आपको बताया है, लेटर आई इज़ ऑल्सो अ वर्ड। ये देखो, हम सब इंडिविजुअली लिखते हैं ए, कोई स्पेलिंग नहीं बनती ए से, इंडिविजुअल ए कोई स्पेलिंग नहीं है, बी कोई स्पेलिंग नहीं है, सी कोई स्पेलिंग नहीं है, ये ओनली अल्फ़ाबेट है, एक लेटर है। बट आई, आई जो है वो एक वर्ड के रूप में भी यूज़ होता है। केवल आई ही एक ऐसा वर्ड है जो लेटर और अल्फ़ाबेट दोनों में यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में बस आपके इतना ही है कि इनका फिक्स ऑर्डर है और लेटर्स कितने हैं, ये 26, और इनको लिखने के टू वेज हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, बैक एक्सरसाइज में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें राइट क्वेश्चन आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन डैश वेज। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं कितने वेज में लिखे जाते हैं, हमने इस चैप्टर में रीड किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है अब आपको। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 2, द लेटर बिफोर जी इज़, जी से पहले कौन सा लेटर आता है,
ऑप्शन ए एच बी एफ एंड सी एफ। देखो स्टूडेंट्स, अब जी से पहले कौन सा आता है, एफ आता है। अब इस क्वेश्चन में हमें एफ दो बार दिखा रखा है, एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर में, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो हमें जी दिया हुआ है वो कौन से लेटर्स में है, कैपिटल लेटर में, तो हमें आंसर भी कैपिटल लेटर वाला ही सेलेक्ट करना होगा, इसलिए हमें आंसर लगाना है सी एफ वाला। ठीक है, तो सी वाले पे टिक करेंगे। क्वेश्चन थ्री है, द लेटर आफ्टर वी इज, लेटर वी के बाद क्या आता है, ऑप्शन ए इज डब्ल्यू, बी कैपिटल डब्ल्यू, सी कैपिटल यू। इसमें भी वही चीज़ है, हमें क्वेश्चन में कौन सा वाला वी दिया हुआ है, कैपिटल वाला, तो आंसर में भी हमें कैपिटल वाला ही देखना पड़ेगा, तो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल यू है हमारे पास। लेकिन हमसे पूछा गया है आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, बाद में कौन सा आता है, तो ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन बी, कंप्लीट द अल्फ़ाबेट। इसमें आपको स्मॉल लेटर्स फिल करने हैं, जैसा कि मैंने करके भी दिखाया है आपको, एज इट इज़ आपको भी करना है। नाउ क्वेश्चन सी, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन कैपिटल। आपको इसमें पिक्चर्स शो की गई हैं, उन पिक्चर्स को देख करके आपको उनका फर्स्ट लेटर लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में, जैसे कि मैंने इसमें फिल कर दिया गया है, आपको इसको देख के अपनी बुक में फिल कर लेना है। जैसे आपको पिक्चर में एरोप्लेन दिखाया गया है, एरोप्लेन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, तो क्या फिल करेंगे हम, ए। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया हमें, बनाना, बनाना किससे स्टार्ट होती है स्पेलिंग, बी, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, बी। स्टूडेंट्स, ये सभी लेटर्स हमें कैपिटल लिखने होंगे। देन लिखा हुआ है, पिक्चर हमें दिखाई गई है कैट, तो सी लिखेंगे इसके लिए। देन पिक्चर है फिश, तो एफ। देन मुर्गी, सॉरी स्टूडेंट्स, मुर्गी दिखाई गई है, जैसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैन। हैन को इंग्लिश में किससे स्टार्ट करते हैं, एच, एच फॉर हैन बोलते हैं ना, तो किससे स्टार्ट करेंगे हम, या क्या लिखेंगे, एच। नेक्स्ट पिक्चर इज जोकर, तो हम लिखेंगे जे। देन लायन, तो लायन का हमें एल, मंकी एम। देन नेस्ट की पिक्चर है, तो एन लिखेंगे, रैबिट आर, टाइगर टी, अम्ब्रेला यू, वॉच डब्ल्यू, याच वाई, एंड लास्ट पिक्चर इज ज़ेब्रा, तो हमें ज़ेब्रा का जेड लिखना है। स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि ये सभी लेटर्स हमें कैपिटल लिखने हैं। ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज ऑल्सो। तो सी यू सून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।